इतना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। ये खोल दो यार, ये अपने चौकीदार का रूम है। ये सुबह में ताले खोल देना, रात को 11:30 बजे चली वो टीवी पे तुम्हारे। अच्छा जब मैगजीन बनी थी अभी आज ही अभी आपके सामने खत्म करवा देता हूँ। जो हरदा का अभी जो विस्फोटक कांड हुआ उसके बाद देवास जिला प्रशासन में कलेक्टर के निर्देशन में आप और आला पुलिस बल जो कार्रवाई की जा रही है, कल से लगातार सतत कार्रवाई जा रही है सर, किस क्रम में है कार्रवाई और अभी तक क्या? कल हम लोग ने शहर में कार्रवाइयाँ की थी, शुरुआत वहीं से की थी क्योंकि शहर में जनता का मूवमेंट ज़्यादा रहता है इसलिए रिस्क भी ज़्यादा रहता है। आज हम लोग सब अर्बन एरियाज में जहाँ पर इनके गोदाम्स बने हैं और जहाँ पर इनके स्टोरेज रहता है वहाँ हम लोग जांच कर रहे हैं। चार एक विनिर्माण एजेंसी भी है हमारे यहाँ, वहाँ भी हम लोग जाएंगे जहाँ मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अनार बनते हैं। अभी तक हम लोग ने दो गोदाम्स की जांच की है, मालवा का है और एक एशियन का है, मालवा फायरवर्क्स और एशियन फायरवर्क्स। तो यहाँ कुछ भी अनियमितता फिलहाल नहीं पाई गई है, सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन थी, स्टॉक भी अंडर कंट्रोल था। इसके अलावा एक मैगजीन भी हम लोगों ने जांच की है बालाजी ट्रेडर्स की, तो मैगजीन्स भी वहाँ जो सेफ्टी के नॉर्म से वो उन्होंने कर रखे थे। दिन भर हम लोग ये निरंतर कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी क्योंकि बड़े बड़े गोडाउंस हैं वो मैं व्यक्तिगत रूप से देख रहा हूँ, बाकी नीचे और 3-4 टीमें एक्टिवेट कर रहा हूँ जो निरंतर इस फील्ड में काम करेंगी। सर जैसा कि देखा है कि आपके द्वारा कल से जो सतत कार्रवाई की जा रही है उसी क्रम में कुछ लोग अब लापता हो गए हैं, कहने का मतलब कहीं उनके गोडाउंस बंद है, उनकी दुकानें बंद है और उनका लगातार उनका व्यापार चलता है, तो उन पर कैसे आपने? इस मामले में मैं आपके माध्यम से आम आदमी से आम पब्लिक से मैं गुजारिश करूंगा कि वो हमें इन्फॉर्मेशन दें, उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा और निश्चित ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि बियॉन्ड द लॉ कोई काम कर रहा है तो हम लोग उस पर निश्चित कड़ी कार्रवाई करेंगे, बट ये इन्फॉर्मेशन हम भी अपनी तरफ से जुटा रहे हैं और आपके माध्यम से मैं आम जनता से भी अपील करूंगा कि वो इस बाबत हमें जानकारियां दें, हम कार्रवाई करेंगे। सर आज और कल की कार्रवाई में कहीं भी एक्स्ट्रा स्टॉक ओवरलोड स्टॉक? हाँ अभी अपने यहाँ कहीं नहीं मिला जितनी अपने जाँच की है, और ये एक्चुअली स्टॉक की प्रॉब्लम्स आती है दीपावली के इर्द गिर्द जब डिमांड ज़्यादा रहती है, इस समय स्टॉक की स्थिति बनती भी नहीं है उतनी। हमारा जो रिस्क है वो विनिर्माण फैक्ट्रीज में ही है, इकाइयों में ही है। फैक्ट तो हमारे यहाँ एक है, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं, यदि कोई अनियमितता होगी तो कार्रवाई की जाए। अभी तक तो नहीं पकड़ में आया। ठीक है सर।